हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ डेली की तरह। दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। दोस्तों, इंतजार मत कीजिए दोस्तों कि पेपर नजदीक आएगा, अनाउंस हो जाएगा डेट, तभी मैं पढ़ूंगा। आप सभी काम करते हुए डेली बेसिस पे एक मिनिमम टाइम अपने लिए निकालिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट सफलता की कुंजी है। कहते हैं ना, अनुभव ही सफलता की कुंजी है। तो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। सभी थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक प्रकार की कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी चीजों को आप जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए चलते हैं समय नष्ट करते हुए दोस्तों आज के सेशन की तरफ, आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, आपको मिलान करना है सूची वन का सूची टू से। तो मिलान करते हैं दोस्तों। तो यहां पे ए है, तुलना हेतु दो ग्रुप। तुलना हेतु दो ग्रुप जो है वो दो ग्रुप में समानताएं तुलना किया जाता है, टी अनुपात, सहसंबंध। दो ग्रुप में तुलना किसके रूप में किया जाता है? कोरिलेशन निकाला जाता है। तो यहां पे इसका हो जाएगा सहसंबंध, यानी कि वो ए का थ्री हो जाएगा टी अनुपात, यानी सहसंबंध। दूसरा है ग्रुपों के मध्य संबंध की कोटि। ग्रुपों के मध्य संबंध की कोटि, तो इसका हो जाएगा वन, शून्य कोटि सहसंबंध। ग्रुपों के मध्य संबंध की कोटि क्या आएगा? शून्य कोटि सहसंबंध, ठीक है। एंड तीसरा है आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध आ जाएगा आपका फोर, यानी कि काई स्क्वायर। आंशिक सहसंबंध को काई स्क्वायर। एंड तुलना हेतु दो ग्रुपों से भी अधिक ये आ जाएगा आपका एफ अनुपात में, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्व एवं पश्चात अभिकल्प हेतु सांख्यिकीय परीक्षण उपयोग होगा। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र प्रतिदर्श टी परीक्षण। पूर्व एवं पश्चात अभिकल्प हेतु, ठीक है, यानी पहले के और आने वाले दोनों के अभिकल्प हेतु सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग होगा। किसके द्वारा? स्वतंत्र प्रतिदर्श टी परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी आपके 53 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 53 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, रैंक ऑर्डर सहसंबंध परिकलन में अपनाए गए चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है चार ऑप्शन, इसको आपको व्यवस्थित करना है सिक्वेंस बाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा घ। तो कैसे होगा? पहले थ्री होगा, ठीक है, पहले थ्री होगा, यानी रैंकों में डाटा को रखेंगे, ठीक है, रैंकों में डाटा को क्या करेंगे? रखेंगे। उसके बाद टू होगा, फिर रैंकों के मध्य हम अंतर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? वर्गीय अंतर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? सूत्र के द्वारा हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमाएं यानी डेलिमिटेशंस के अंतर्गत आने वाले सही मदे यानी आइटम्स हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों को, यानी कि टू थ्री एंड फोर। टू क्या है? टू थ्री एंड फोर। तो इसका सही जवाब होगा क, टू थ्री एंड फोर, यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड
नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड एज ग्रुप्स, ये तीनों परिसीमाएं के अंतर्गत आइटम्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे उत्तम विलक्षण यानी वेरिएबिलिटी की माप कौन सा है, तो यह है पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा प्रमाप विचलन। क्या हो जाएगा? प्रमाप विचलन, प्रूफ डिविएशन। सबसे उत्तम विलक्षण की माप कौन है? वेरिएबिलिटी की माप है प्रमाप विलक्षण यानी प्रूफ डिविएशन। नेक्स्ट है अभी कथन वाले क्वेश्चंस हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ दोस्तों, बस डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगा करके आपको सभी प्रकार के हैबिट्स हो जाएंगे। अभिकथन ये है दोस्तों, तल अक्ष पर घूमता है, तल अक्ष पर घूमता है, तो राइट है जो अक्ष होता है एक बिंदु होता है जिसके चारों ओर गति होती है और उसके चारों ओर अक्ष होता है यानी अक्ष के चारों ओर जो तल होता है जहां पे गति होती है उसको तल यानी प्लेन कहते हैं। तो तल अक्ष पर घूमता है, राइट है अक्ष के चारों ओर घूमता है, एंड आर इसका है अक्ष के बिना कोई तल नहीं होता। तो ये बात नहीं है कि अक्ष के बिना कोई तल नहीं होता, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि जो भी अभिकथन वाले क्वेश्चन होंगे जो ए दिया रहेगा उसका कारण या उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया रहेगा या उसका कारण बताएगा आर, लेकिन ए है तल अक्ष पर घूमता है, कैसे घूमता है ये नहीं बताया, आर कुछ और बताया, तो आर आपका गलत है। नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फ व्यक्ति है, जैसा कि सेलर ने तीन बॉडी टाइप बताया है, इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ यानी कि अस्थि प्रधान, यानी कि पतला दुबला सुंदर बॉडी, तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा पतला और सीधा। ये एंड्योरेंस वाले गेम में ज्यादा अच्छे होते हैं, एक एथलीट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन वाला, अभिकथन ए है अधिगम यानी कि लर्निंग की चेष्टा व भूल पद्धति, ठीक है, अधिगम यानी कि लर्निंग की चेष्टा व भूल पद्धति यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग सिद्धांत जो है वह अधिगम के अवधि विस्तार को कम करती है, अधिगम के अवधि विस्तार को कम करती है। तो राइट है, गलती करिए अब सीखिए तो जल्दी जल्दी आप सीख जाएंगे। अवधि विस्तार को कम करती है, जो लर्निंग करने का जो समय होता है उसको कम करती है। आर है उसके संबंध में कि थार्नडाइक ने अधिगम के नियमों की स्थापना की, जैसा कि आप समझ गए होंगे दोनों आर, ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, को आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में। नेक्स्ट दोस्तों, किसी सामाजिक समूहों के व्यवहार और संबंधों के सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं समाजमिति। क्या कहते हैं? समाजमिति यानी सोशियोमेट्री। किसी सामाजिक समूह के व्यवहार और संबंधों के सांख्यिकी अध्ययन को समाजमिति यानी सोशियोमेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है खेलों के विरेचक यानी कैथेटिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो रेचन विरेचन सिद्धांत कैथेटिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पिरिट इन मोशन आदर्श वाक्य है, दोस्तों स्पिरिट इन मोशन आदर्श वाक्य पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, जोड़े बनाइए, तो इसमें आपको जोड़े बनाना है, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है पेलेस्ट्रा, डिडास्केलियम, कैंपस मार्सस, कोलेजियम। पेलेस्ट्रा जो है दोस्तों क्या होता था,
कि एथेंस काल में, पूर्व एथेंस काल में पैलेस्ट्रा जो है व्यायामशाला को बोला जाता था। इसमें कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक्स दिखाई जाती थी। तो यहाँ पे पैलेस्ट्रा हो जाएगा ग्लेडिटोरियल लड़ाई, क्या हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा ग्लेडिटोरियल लड़ाई। इसमें मुक्केबाजी, कुश्ती, जिम्नास्टिक आदि सिखाया जाता था। पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा बोला जाता था। दूसरा है डियोस्केलियम। पूर्व एथेंस काल में संगीत संबंधी विद्यालय को, जिसमें संगीत और व्याकरण सिखाया जाता था, उसको डियोस्केलियम बोला जाता था। तो बी का हो जाएगा वन। एंड सी है कैंपस मार्शल्स। कैंपस मार्शल्स दोस्तों क्या होता था कि पूर्वाध रोम काल में युद्ध के देवता मार्स के नाम पर कैंपस मार्शल्स था, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण के लिए एक विशेष व्यायामशाला होता था। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का सैनिक मैदान था। क्या था, सैनिक मैदान। तो सी का हो जाएगा फोर। एंड डी है कोलेजियम। कोलेजियम जो है दोस्तों उत्तराध रोम काल में थर्म फॉर बाथ होता था, जिसको कोलेजियम यानी स्नाना गृह बोला जाता था। एक प्रकार के ताल होता है जिसमें तैराकियम स्नान होता था, यानी डी का थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलाते हैं ए का टू, यानी किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन वाला है। अभिकथन ए है, भारत ने मास्को ओलंपिक खेलों में हॉकी में रजत मेडल जीता। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने हॉकी में सबसे पहला स्वर्ण पदक 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में जीता, जिसमें लगातार वह 1980 मास्को ओलंपिक तक स्वर्ण पदक जीता। तो मास्को ओलंपिक में हॉकी में रजत मेडल नहीं जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ये आपका ए वाला तो गलत हो गया। ठीक है, बी है प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में से अधिकांश ने खेलों का बहिष्कार किया। तो बी आपका राइट, आर आपका राइट है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आपका गलत है और ए आपका गलत है और आर राइट है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो घ में, घ है, ए असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट है फिर अभिकथन वाला है। ए है आंतरिक श्वसन कोशिका स्तर पर O2 और CO2 का विनिमय है। सही बात है, आंतरिक श्वसन में O2 CO2 का विनिमय होता है, ऑक्सीजन चला जाता है कोशिकाओं तक जहां ऊर्जा का निर्माण होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। आर है ऑक्सीजन कृत रक्त महाधमनी के जरिए बाय निलय से निकल कर महाशिरा के जरिए दाई कणिका से वापस आता है, यह संचरण फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। एकदम गलत है दोस्तों, जिसने भी रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा तो ऑक्सीजन कृत रक्त महाधमनी के जरिए बाय निलय से निकलकर महाशिरा के जरिए दाई कणिका से वापस आता है, यह संचरण फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। तो फुफ्फुसीय संचरण नहीं कहलाता है यह, क्योंकि फुफ्फुसीय संचरण तो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा यानी कि पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है, वहां पे गलता है। तो यहाँ पे आपका आर गलत है। तो यहाँ पे ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर कौन सी हड्डियों में अधिक होता है। तो व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है, जो इसमें ऑप्शन दिया है, उसे पंजों के पास ज्यादा होता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की पाठ योजना में किस पर बल देना आवश्यक है। तो यहां पे हम अध्येता की शारीरिक गठन, शिक्षक की दक्षता, अध्यापन का समय, इन सब पर कम ध्यान देते हुए उसके आयु पर ध्यान देंगे कि किस आयु स्तर का है, उसके लिए कौन सा शारीरिक जो ट्रेनिंग है वो उचित होगा। तो शारीरिक आयु पर यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे बालक के।
नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण महाविद्यालय भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो YMCA की स्थापना 1920 में SC बक द्वारा मद्रास चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर। तो देखना है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ साथ व्यवहारिक कौशल में भी दक्ष होना चाहिए, एकदम राइट है। आर है, शारीरिक शिक्षा व्यवसाय सामाजिक आर्थिक हैसियत प्रदान करता है, ये भी राइट है। ए और आर यहाँ के, यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा, तो आपका ख राइट हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ए आर सही है, बट जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण के निम्नलिखित चरण हैं। तो प्रस्तुतिकरण के निम्नलिखित चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं दोस्तों प्रस्तुतिकरण के? प्रदर्शन है, व्याख्या है, अभ्यास तथा प्रवेक्षण है, प्रतिपुष्टि है। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस बाई करना है, तो यहाँ पे ख आपका राइट हो जाएगा, ख आपका राइट हो जाएगा कि सबसे पहले हम प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद अभ्यास या पर्यवेक्षण करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक या मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है, अधिकतम ताकत का विकास किस आयु वर्ग से प्रारंभ होना चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम ताकत का विकास 16 से 18 वर्ष से प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बालक का शरीर उतना परिपक्व नहीं होता। नेक्स्ट है, संशक्ति कोऑपरेशन के साथ कौन से घटक संबंधित हैं? तो इसके साथ आपका क राइट हो जाएगा, यानी कि टीम संतुष्टि और सामाजिक समर्थन कोऑपरेशन के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट है, कौशल सीखने में सूचना संसाधन मॉडल 4 घटकों से निर्मित होता है, इन 4 घटकों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको क्रमवार व्यवस्थित होगा आपका ग, ठीक है, यानी कि पहले इनपुट करेंगे, पहले क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, फिर उसका निर्णय यानी कि डिस कौन मार्किंग करेंगे, ठीक है, पहले इनपुट करेंगे, डिसीजन मार्किंग करेंगे, निर्णयन, उसके बाद हम करेंगे निर्गत यानी कि आउटपुट करेंगे, फिर हम प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक करेंगे। नेक्स्ट है, एक तंत्रीय नेता क्या होता है दोस्तों? अधीनस्थों को निर्णय लेने के लिए अनुमति देता है? नहीं, ये तो अच्छा काम हो गया, एक तंत्री नेता का नहीं है। अधीनस्थों को विचार आमंत्रित करता है? नो, एक तंत्रीय नेता जो होता है वह अधीनस्थों को निर्देश देता है, जितने भी उसके अधीनस्थ होते हैं सबको निर्देश देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों का आजकल खेलों की ओर आकर्षित होने का क्या कारण है? तो उसका अहम कारण है खेल उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ए है समय सारणी, समय सारणी सिलेबस पाठ्यक्रम व्यावसायिक नैतिकता है। तो समय सारणी क्या होता है दोस्तों? किसी कार्य को कितने कितने टाइम कब किया जाए, ये समय सारणी होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका 4, कि एक दस्तावेज जिसमें यह अंकित होता है कि किसके द्वारा और कब किया जाना चाहिए, किसके द्वारा और कब किया जाना चाहिए। फिर आपका हो जाएगा सिलेबस, सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका कौन हो जाएगा? तो
तो वी का थ्री हो जाएगा, यानी कि वी का थ्री हो जाएगा। विषय सूची की रूपरेखा जिसके अनुरूप विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाते हैं, तो यह थ्री हो जाएगा। एक है तीसरी है आपका पाठ्यक्रम। तो एक संस्था द्वारा स्थापित पाठ्यक्रम, कोई पाठ्यक्रम एक संस्था द्वारा मानित होता है। बी है आपका व्यवसायिक नैतिकता, इसका हो जाएगा आपका टू, यानी कि एक दस्तावेज जिसमें विद्यार्थियों के संज्ञान अनुभवों के लिए सम्मिलित संज्ञान अनुभवों की उपलब्धि के लिए सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अभिकथन ए और आर दिया हुआ है। अभिकथन ए है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को उच्च कौशल युक्त होना चाहिए, राइट। एंड आर है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सिखाए जा रहे कौशल को सही प्रकार से प्रदर्शित करे। तो यहाँ पे दोनों का दोनों सही लग रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क राइट हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मोटापे के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों मोटापे के लिए हमारे शरीर में वसा ऊतक अधिक जमा हो जाता है, तो मोटापा होता है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा वसा ऊतक को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के विकास के चरणों की पहचान क्रमानुसार कीजिए। तो मानव के विकास के चरणों की पहचान क्रमानुसार, जैसे कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था अवस्था आता है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा घ। कौन सा राइट हो जाएगा? घ। नेक्स्ट है मिलान करना है दोनों का, तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं, यहाँ का राइट हो जाएगा ग, यानी ए का थ्री होगा। अथेरोस्क्लेरोसिस, इसका हो जाएगा अथेरोस्क्लेरोसिस, इसका होगा थ्री, क्या होगा? थ्री। परिहृद हृदय रोग है, अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? परिहृद हृदय रोग। बी है आपका मोटापा, बी क्या है? मोटापा। तो मोटापा आप जानते हैं वसा संचय होता है शरीर में, तो मोटापा होता है, आपका राइट हो जाएगा फोर, वसा संचयन। सी है आपका अति रक्त दाब, अति रक्त दाब को हम कहते हैं उच्च रक्त दाब, ठीक है। डी है आपका हृदयाघात, तो दोस्तों हृदयाघात जो होता है वह निर्जलीकरण के कारण, या यहाँ पे आपको सही नहीं लग रहा है हृदयाघात, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट दिया हुआ है, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट है कीटों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका है मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से, एंड आपका यहाँ पे स्केरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे वन और थ्री आपका राइट हो जाएगा। कुष्ठ यानी लेप्रोसी रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। नेक्स्ट है आपका सूची एक से दो से आपका मिलान करना है, तो ये आपके ज्वाइंट्स मूवमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका दिया है ए कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट एक तल में गति होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है उसी तरह यह भी एक तल में गति होती है, जैसे हमारे एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़। तो कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आपका फाइव, कोहनी संधि यानी एल्बो ज्वाइंट आपका राइट होगा। एंड यहाँ पे दूसरा है बी है आपका धुराग्र संधि यानी पीवट ज्वाइंट, जो एक बिंदु पर घूमता है, जैसे हमारा गर्दन का ज्वाइंट। तो ग्रीवा संधि आपका राइट हो जाएगा आपका बी का फोर, ठीक है, बी का फोर, ए का फाइव और बी का फोर, ठीक है। कहाँ दिख रहा है आपका? ए का फाइव, बी का फोर। एंड सी है आपका चल संधि, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, तो फ्रीली रूप से चारों तरफ घूमता है आपका कंधा और शोल्डर, तो हाँ यहाँ पे आपका सी का हो जाएगा वन, स्कंद संधि यानी शोल्डर ज्वाइंट।
डी है आपका सर पीली संधि यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है। यहाँ पे आपका कलाई की जो ज्वाइंट होती है कार्पस ज्वाइंट और जो पैर में टार्सस ज्वाइंट, कार्पस और टार्सस ज्वाइंट होता है बट यहाँ कार्पस टार्सस नहीं किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी मणिबंध संधि यानी ब्रिस्ट ज्वाइंट। जब ऐसे ही पूछेगा ब्रिस्ट ज्वाइंट तो वो कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट होता है एंड कार्पस टार्सस यहाँ पे पूछ देगा वो ऑप्शन के अनुसार आप टिक करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लंबी कूद करने के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो लंबी कूद आपको बस दिमाग लगाना है, सबसे लास्ट में लैंडिंग आएगा यानी भूमि पर जो गिरता है लंबी कूद के समय उसको हम लैंडिंग कहते हैं। सबसे लास्ट में लैंडिंग किस में दिख रहा है तो क में दिख रहा है और किसी में दिख ही नहीं रहा तो क आपका राइट भी हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले हम अप्रोच रन लेंगे यानी दौड़ेंगे, फिर टेक ऑफ लेंगे, फिर फ्लाइंग यानी हवा में उड़ेंगे, उसके बाद लैंडिंग करेंगे। ये आपका स्टेप होगा लंबी कूद का। नेक्स्ट है मनोशारीरिक का मनोगामक अनुक्षेत्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति कौशल्य से, ठीक है गति कौशल्य से। नेक्स्ट है काइफोसिस यानी कुब्जता किस क्षेत्र के कशेरुका स्तंभ की विकृति है। जैसे कि आप जानते हैं काइफोसिस जिसके कुब्जता यानी कुबड़ भी बोलते हैं, या हमारे पीठ वाला भाग गोलाकार हो जाता है, गोल पीठ भी इसको बोला जाता है ठीक है। एंड ए पीठ यानी वक्षीय क्षेत्र में होता है तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा वक्षीय क्षेत्र क। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये एक्सिस एंड प्लेन से क्वेश्चन है। पहला है कल्पित धरातल जिस पर गति होती है उसे प्रतल यानी कि तल यानी कि प्लेन कहते हैं, ये आपका राइट है सुमेलित है। ख है कल्पित धरातल जो शरीर को प्रवर और अवर भागों में यानी ऊपर और नीचे भागों में बांटती है उसको क्षितिज या समस्तरीय तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, ये आपका राइट है। ग है आपका कल्पित धरातल जो शरीर को दाएं बाएं भागों में पार्श्विक पक्ष में बांटती है, दोस्तों यह होता है आपका सेजिटल प्लेन यानी कि मध्य समांतर जो हिंदी में दिया है, जो हिंदी में समझ नहीं आता है तो सेजिटल प्लेन आपका होगा, ये सही है आपका सेजिटल प्लेन, इसे मीडियल प्लेन भी कहते हैं। एंड घ आपका कल्पित धरातल जो शरीर को आगे पीछे भागों में विभाजित करता है मध्य समानांतर तल, मध्य समानांतर तल यानी कि सेजिटल प्लेन ये नहीं होता है, आगे पीछे बांटता है फ्रंटल तल, तो यहाँ पे आपका यही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अभिकथन ए और आर दिया हुआ है। अभिकथन ए है कि पर्यावरण प्रदूषण खिलाड़ियों के खेल प्रतिभा पर असर डालता है, बात राइट है पर्यावरण प्रदूषण में अच्छे से हम सांस नहीं ले पाएंगे और खेल प्रतिभा पर असर डालेगा, तो यहाँ पे ए आपका राइट लग रहा है। आर पढ़ते हैं, आर है ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला जाने वाली अधिकतर बच्चे संक्रमणीय रोग से पीड़ित होते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा घ, ए और आर दोनों सही है। घ है दोस्तों दैनिक सामान्य गतिविधियों में लगे व्यक्ति को औसतन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सामान्य दैनिक जीवन में सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से 1800 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जब हम कठिन कार्य करते हैं औसतन इससे ज्यादा कार्य करते हैं तो 3000 से 4000, बहुत ज्यादा लंबी दौड़ दौड़ रहे हैं तो 4000 से 5000 कैलोरी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों ग्लाइकोजन लोडिंग में सामान्य आहार बदलाव विधि से मांसपेशी ग्लाइकोजन की मात्रा 15 ग्राम प्रति किलोग्राम मांसपेशी से लगभग कितनी हो जाती है, तो यह हो जाती है 25 किलोग्राम प्रति किग्रा मांसपेशी। नेक्स्ट दोस्तों अभिकथन ए और आर दिया हुआ है। ए है कि सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की गई मनोरंजन संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो ए आपका राइट है अपर्याप्त है पर्याप्त नहीं है। तर्क है आर की मनोरंजन संबंधी सुविधाएं व्यक्ति में ऊर्जा नियमन के लिए आवश्यक होती है, जैसा कि आप कार्य करते करते थक जाते हैं थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं पुनः आप में ऊर्जा आ जाती है, पुनः आप कार्य करने लायक हो जाते हैं। मनोरंजन यानी मन का रंजन, मन को आनंदित करने वाला, इसका इंग्लिश कहते हैं रिक्रिएशन यानी कि री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, पुनः निर्माण करना, यानी कि ए और आर दोनों राइट है।
ए और आर दोनों राइट है, आपका घ हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, सक्रिय प्रतिरक्षा का अर्थ है, तो दोस्तों सक्रिय प्रतिरक्षा का अर्थ होता है किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरोध, प्रतिरक्षा मतलब इम्यून सिस्टम। सक्रिय इम्यून सिस्टम का क्या अर्थ है, किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोध होता है, उसी को कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है अभिकथन ए और आर दिया हुआ है, ए है उच्च स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में दौड़ कार्यक्रम के हीटों के मध्य आराम करना आवश्यक है, तो ये राइट है। आर है हीटों के मध्य आराम लेने से प्रतियोगियों में को ऊर्जा प्राप्त करने से सहायता मिलती है, कोई भी कार्य करेंगे बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेंगे तो पुनः ऊर्जा का प्राप्त करने में सहायक होती है, तो यहाँ पे दोनों सही है, ए और आर दोनों यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, अधिभार यानी कि जो ट्रेनिंग लोड होती है उसके सिद्धांत होते हैं, तो उसके सिद्धांत में दो चीजें होती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने ट्रेनिंग लोड में बताया हुआ है, ट्रेनिंग लोड में बताया हुआ है दो चीजें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे, एक तीव्रता और थर्ड आपका है घनत्व, ठीक है, तीव्रता और वैल्यू मतलब घनत्व होता है आपका, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ख यानी कि एक और तीन, यानी कि तीव्रता और घनत्व यानी कि इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। इंटेंसिटी मतलब कितनी स्पीड से कार्य किया गया, घनत्व यानी कि वॉल्यूम जो है कितना समय कार्य किया गया, जितना कम समय की क्रिया होगी यानी घनत्व यानी वॉल्यूम जितना कम होगी तीव्रता उतना ही ज्यादा होगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोनों, और घनत्व यानी कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा तीव्रता उतना ही यानी इंटेंसिटी उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अध्ययन हेतु सीमा निर्धारण किसके अंतर्गत आता है, तो अध्ययन हेतु सीमा निर्धारण जो है अपरिसीमन यानी डिलिमिनेशन मिटेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अपरिपक्व प्राप्तांकों को इसके उपयोग से मानक प्राप्तांकों में बदला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है हॉल स्केल विधि से। नेक्स्ट है निम्न को मिलान कीजिए, पहला है परिसीमन, फिर हाइपोथेसिस, टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर, तो इसका राइट आंसर है ग, इसका राइट आंसर है ग। अब इसको आप मिला सकते हैं, ठीक है, ए का है आपका फोर यानी कि परिसीमन जो हो गया है आपका हो जाएगा फाइव, ए का है फाइव, परिसीमन जो है अनियंत्रित कार्य के होता है, हाइपोथेसिस जो होता है टू का, बी का थ्री हो जाएगा, यह बुद्धि बुद्धिमत्ता परक अनुमान है हाइपोथेसिस, टाइप वन एरर है आपका वन हो जाएगा नल हाइपोथेसिस को निरस्त करना, एंड टाइप टू एरर है नल हाइपोथेसिस को स्वीकार करना। नेक्स्ट है प्रयोगों की अभिकल्पना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहलाता है, तो प्रयोगी की अभिकल्पना का आधारभूत सिद्धांत यादृच्छीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है शोध प्रस्ताव है, तो शोध प्रस्ताव क्या है दोस्तों, यह संक्षेप प्रस्ताव है। नेक्स्ट है एक दूसरे से मिलान करना है, बॉडी टाइप्स के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला है पिकनिक यानी गोलकाय शरीर, तो गोलकाय शरीर में क्या होता है दोस्तों, तो गोलकाय शरीर में सबसे पहले आपको जो आ रहा है उसको मिलाइए, पिकनिक में क्या होता है, क्रेस्मा ने बॉडी टाइप्स को चार भागों में बांटा है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक, यही चारों दिया हुआ है इसमें, और चारों की विशेषता आप जानते हैं, पिकनिक गोल मोटा शरीर होता है, छोटा होता है, छोटा मोटा और मिलनसार हसमुख होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गोलकाय पिकनिक का फाइव हो जाएगा, बलिष्ठ एवं नाटा, क्या हो जाएगा बलिष्ठ एवं नाटा। एंड दोस्तों क्रिस्का यानी एस्थेनिक जो होता है वह अस्थि प्रधान यानी दुर्बल लंबा पतला होता है, यहाँ पे बी का थ्री हो जाएगा दुर्बल लंबा पतला। एंड सी है कसरती यानी एथलेटिक बॉडी जो होता है बलिष्ठ और पेशी वाला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बलिष्ठ और पेशी। डी है गठित कुगठित यानी कि डायस्प्लास्टिक, जो तीनों की विशेषताएं पाई जाती है मिश्रित होती है तीनों की विशेषताएं उसे कहते हैं डायस्प्लास्टिक, यहाँ डी का टू हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्किल टेस्ट रिलेटेड है, कौशल परीक्षा से जुड़े नामों को मिलाना है आपको, जैसे जॉनसन बास्केट वर्सेस
देखो मेरे नाम से ही मेरे मुख से निकल गया, जॉनसन बास्केटबॉल से। तो जॉनसन किस टेस्ट से रिलेटेड है? बास्केटबॉल से, यानी थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ए का थर्ड बास्केटबॉल टेस्ट। ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, ब्रेडी आपका वॉलीबॉल टेस्ट है, आपका फोर हो जाएगा। हेनरी फिडल टेस्ट, ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। एंड मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, ये आपका सॉकर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका राइट कौन हो जाएगा? गौ, क्या हो जाएगा? गौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परीक्षण परिमापों का उपयोग किया जाता है। तो परीक्षण परिमापों का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? परीक्षण परिमापों का उपयोग किया जाता है ग्रेडिंग, वर्गीकरण एंड मार्गदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम शुभंकर वाल्दी किस ओलंपिक में दिखाई दिया? तो दोस्तों शुभंकर, वैसे तो आपका पहला शुभंकर 1968 में मेक्सिको सिटी में और आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था, जिसका पालोमा कबूतर था, लेकिन आधिकारिक तौर पर शुभंकर का प्रारंभ वाल्दी जो है 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में एक शिकारी कुत्ता था। 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में एक शिकारी कुत्ता था, यहाँ पे 1972 म्यूनिख आपका राइट हो जाएगा। और आपको याद रखना है 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान का शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। और 2016 रियो ओलंपिक का विनीसियस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों के विरेचन सिद्धांत के अनुसार, रेचन विरेचन सिद्धांत यानी कैथेटिक थ्योरी को दिया है अरस्तु ने, इस सिद्धांत के अनुसार खेल क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार खेल जो है वह भावनाओं का निकास है। क्या है? भावनाओं का निकास है। नेक्स्ट है, खेलों के नियम, परंपरा एवं इतिहास के संबंध में सीखना और सीखने के किस क्षेत्र में आता है? नियम, खेल के नियम के अनुसार परंपरा इतिहास के संबंध में सीखना जो है सीखने के किस क्षेत्र में आता है? तो ये सीखना जो है सीखने के सहयोगी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने में वृद्धि विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। राइट है, शारीरिक शिक्षा का योजना बनाने में वृद्धि विकास एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण घटक ये नहीं हो सकता। देखते हैं महत्वपूर्ण घटक और सब होंगे, लेकिन वृद्धि विकास ही महत्वपूर्ण घटक नहीं हो सकता। बी है आपका, दो है, बालक जब तक सीखने को तैयार न हो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से प्रदान नहीं किया जा सकता। राइट है, जब तक बालक सीखने को तैयार नहीं होगा तब तक आप कितना भी सिखाते रहे वो कुछ भी नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, दो सही है लेकिन वन गलत है। तो दोस्तों ये था 54 क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक क्वेश्चंस, हर एक सेशन, हर एक डेली बेसिस पे जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, सभी चीजें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस में आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों एंड सोशल मीडिया के ग्रुप में, जैसे कि जिससे उन तक भी ये सभी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।